हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं फिनो पेमेंट्स बैंक को अभी शेड्यूल बैंक का अप्रूवल मिला हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ 13 फरवरी 2021 को। इससे फिनो पेमेंट्स बैंक के सीएसपी को, कस्टमर को, दोनों को क्या बेनिफिट्स होने वाला है इसके बारे में बताएंगे। और प्रजेंट में कौन कौन है जो बैंक जिसको शेड्यूल बैंक का अप्रूवल मिला हुआ है उससे क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। और फिनो पेमेंट्स बैंक के शेड्यूल बैंक बनने से क्या क्या बेनिफिट सीएसपी को और कस्टमर को हो सकता है, इस पर इकलौता वीडियो आपको यूट्यूब पे ये मिलेगा और दूसरा वीडियो इस टाइप का नहीं मिलेगा जिसमें आपको सही सही जानकारी दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, ऐसा है कि फिनो पेमेंट्स बैंक को 13 फरवरी 2021 को शेड्यूल बैंक का अप्रूवल मिल चुका है, 1 जनवरी 2021 के डेट से ही। और आपको बता दें कि अभी प्रजेंट में कौन कौन बैंक है जिसको शेड्यूल बैंक का अप्रूवल मिला हुआ है। तो शेड्यूल बैंक का अप्रूवल हर कैटेगरी को बैंक को दिया जाता है। तो जैसे आपको पब्लिक सेक्टर का बैंक है उसको भी मिलता है, जो नेशनलाइज बैंक है उसको भी मिलता है, प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है उसको भी मिलता है, और पेमेंट्स बैंक है उसको भी मिलता है। तो जैसे सरकारी बैंक है आपको पंजाब नेशनल बैंक, PSU ये आता है, नेशनलाइज बैंक में आता है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, जो भी सरकारी बैंक है करीब करीब सब जो है ना शेड्यूल बैंक है, नेशनलाइज बैंक। और पब्लिक सेक्टर का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी जो है ना शेड्यूल बैंक है। और प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी बैंक जो है ना ये सब भी आपको शेड्यूल बैंक है। उसके बाद पेमेंट्स बैंक का आता है, पेमेंट्स बैंक में अभी फिलहाल 13 फरवरी को फिनो पेमेंट्स बैंक को भी अप्रूवल मिला है शेड्यूल बैंक का। तो हर कैटेगरी के बैंक को शेड्यूल बैंक का अप्रूवल मिलता है जो अपने कैटेगरी में अच्छा काम करता है और कुछ क्राइटेरिया जो है RBI के द्वारा है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसको शेड्यूल बैंक का लाइसेंस मिल जाता है। तो करीब करीब जो भी सरकारी बैंक है वो शेड्यूल बैंक है ही, प्राइवेट बैंक भी करीब करीब सब शेड्यूल बैंक है। पेमेंट्स बैंक का नया फॉर्मेट आया हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में, तो सभी पेमेंट्स बैंक को अभी शेड्यूल बैंक का अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसको पहले ही मिल चुका है शेड्यूल बैंक का अप्रूवल। अब शेड्यूल बैंक के अप्रूवल मिलने से क्या बेनिफिट्स होता है देखिए, तो जो भी कस्टमर है हमारे कस्टमर को जो भी सरकारी योजना का लाभ मिलता है उसमें परेशानी नहीं होता है, हर योजना का लाभ आपको अकाउंट में मिलेगा ही शेड्यूल बैंक के लाइसेंस मिलने से, ये बेनिफिट हो गया। दूसरा कि शेड्यूल बैंक का जो भी रूल है ये RBI का, उसमें जितना भी इनकम होता है बैंक का उसका 20% उसको रखना होता है, उसको बिजनेस में आप नहीं लगा सकते हैं, उसको रोटेट नहीं कर सकते हैं, उसको आपको जो है ना रिजर्व रखना होता है, उसको आप बिजनेस में यूटिलाइज नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इससे सिक्योरिटी बढ़ता है कस्टमर का। उसके बाद जो है शेड्यूल बैंक का सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंक को कि बैंक को RBI के द्वारा लोन मिलता है, जो शेड्यूल बैंक है उसी को RBI के द्वारा लोन मिलता है। तो अभी पेमेंट्स बैंक में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और फिनो पेमेंट्स बैंक है, यही है जो RBI से लोन ले सकता है, यही दो पेमेंट्स बैंक। तो उससे होगा कि और क्या, बैंक का जो रेट है RBI के द्वारा फिक्स किया गया उस रेट पे इंटरेस्ट पे उसको लोन मिलेगा। तो लोन बैंक के इंटरेस्ट पे मिलेगा तो उससे होगा क्या, उस लोन को यूज कर सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने में फिनो पेमेंट्स बैंक, और जिससे कस्टमर को और रिटेलर जो हमारा फिनो पेमेंट्स बैंक का CSP जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे पाएगा। तो ये सब बेनिफिट्स है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको सही जानकारी मिल गया होगा शेड्यूल बैंक के बारे में, फिनो पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक बनने से क्या क्या बेनिफिट्स हमारे रिटेलर और कस्टमर को होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, और कमेंट्स वक्त में आप अपना राय दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिनो पेमेंट्स बैंक का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं हमसे, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर है, अपना नंबर भी लेने के लिए, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम के साथ मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं आप। धन्यवाद।